सो so, uh, हम लोग हैजिंग को किस तरीके से एज अ टूल इनफेक्ट एफिशिएंट टूल यूज़ कर सकते हैं टू अवॉइड द फ्लक्चुएशन इन इन एक्सचेंज रेट्स तो लास्ट मॉड्यूल के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि एट द स्पॉट रेट आपके पास इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कोई एज सच बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन को अवॉइड करने के लिए अगर वो हैजिंग यूज़ करें एंड वी डिस्कस दैट कि अगर इसको हम फॉरवर्ड रेट की तरफ ले जाए तो इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर द इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर एट द सेम टाइम अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू हम ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपके पास इम्पोटर uh, और एक्सपोर्टर कम्प्लीटली एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन को कम्प्लीटली तो नहीं इनफैक्ट अवॉइड कर सकते हैं एंड देन कम्प्लीटली भी कर सकते हैं अगर वह इस फॉर्म ऑफ हेजिंग uh, को यूज़ करें जिसको हम फॉरवर्ड रेट की बात करें सो so, हम ये ज्यूम करते हैं कि कोई इम्पोर्टर है सपोज़ वंस अगेन यू का इम्पोर्टर है और वो बाय कर लेता है फॉरवर्ड यूरोस को और वो थ्री मंथ्स पे करता है फॉरवर्ड रेट के ऊपर दैट मीन्स एक इम्पोर्टर है वो बाहर से कमोडिटीज़ इम्पोर्ट कर रहा है एंड प्रीडामडली हमने ये ज्यूम किया हुआ है कि वो जो इम्पोर्ट है दैट इज़ फ्रॉम यूरोप एंड यू हैव टू मेक पेमेंट्स इन यूरो तो यूरो ही उसने फॉरवर्ड किए हैं लेकिन वो बाय फॉरवर्ड किए हैं और हम लोगों ने जैसे ये डिस्कस किया था कि आपके पास फॉरवर्ड बाइंग के अंदर आपके पास कोई भी चीज़ सपोज एज सच प्लेज नहीं होती या आपको uh, सुसेट नहीं करनी पड़ती या अपनी चीज़ कोई भी एक पेमेंट जो है उसको प्लेज नहीं करवाना पड़ता सो so, हम लोग थ्री मंथ्स के ऊपर जो फॉरवर्ड रेट के ऊपर सपोज हम एक अमाउंट uh, वारो करते हैं और सपोज़ वो अमाउंट है हंड्रेड थाउजेंड जो हम पहले भी ज्यूम कर चुके हैं या पिछली एग्जांपल्स में इसी अमाउंट के साथ हम लोगों ने डिफरेंट वेरिएशंस देखी हैं अब अगर दो केसेस हो सकते हैं फॉरवर्ड प्रीमियम का केस हो सकता है फॉरवर्ड प्रीमियम रिमेंबर हम लोगों ने डिस्कस किया जा कुछ मड्यूल्स पहले हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था या तो फॉरवर्ड प्रीमियम पे होगी कोई करेंसी या फॉरवर्ड डिस्काउंट पे होगी तो अब हम ये ज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो यूरो है वो डॉलर के अगेंस्ट फोर परसेंट पर ईयर प्रीमियम के ऊपर है दैट मीन्स अगर आप इसको मंथ पे कन्वर्ट करें तो वन परसेंट पर थ्री मंथ्स जो है वो प्रीमियम पे उसको मिल रहा है इन दैट केस आपके पास जो इम्पोर्टर है उसको थ्री मंथ्स के लिए यही जो अमाउंट है उसके अगेंस्ट वन ओ वन थाउजेंड डॉलर पे करने पड़ेंगे टू बाय दैट हंड्रेड थाउजेंड यूरो और जैसे ही सपोज़ थ्री मंथ्स की ड्यूरेशन जो है वो पूरी होगी तो आपके पास जो फ्लक्चुएशन कोई ज़्यादा भी हो सकती थी या कम भी हो सकती थी पॉट्रेट से के अकॉर्डिंग अगर हम देखते उस चीज़ को सारा अवॉइड कर लिया गया आपने जस्ट यू हैव टू पे वन परसेंट मोर ऑफ वन हंड्रेड थाउजेंड दैट इज़ वन थाउजेंड तो आपने हेजिंग कॉस्ट पे की वन थाउजेंड की टू अवॉइड दैट फ्लक्चुएशन अब ये इंटरेस्टिंग सिनारी बिल्ड होते रहते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कभी फॉरवर्ड पे हो सकता है वो कभी डिस्काउंट पे हो सकता है इट डिपेंड्स तो यहाँ पे एक बड़ा एक रिलीफ मिलता है टू इम्पोटर एंड एक्सपोर्टर एट द सेम टाइम कि उसको ये चीज़ कम्प्लीटली अब सेफ़ है उसकी कि जो भी पेमेंट होगी uh, अगर कोई फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा भी होती है तो उसका अफेक्ट उस इम्पोटर के ऊपर नहीं आएगा क्योंकि उसने इसको इंश्योर करवा लिया सपोज़ उस पेमेंट को एक्जैक्टली exactly जो थ्री मंथ्स के बाद होनी है हंड्रेड थाउजेंड योरज़ की उसके लिए उसने जस्ट वन थाउजेंड डॉलर जो है एक्स्ट्रा पे किया है जो हम यही एज्यूम कर रहे थे कि अभी फिक्स रेट जो है या स्पॉट रेट जो है वो वन डॉलर एंड वन यूरो का है तो इस केस के अंदर इम्पोर्टर इज़ क्वाइट सेफ़ नाउ और वो अब वो पूरी कंसनट्रेशन अपने बिजनेस की तरफ रख सकता है और ये जो एलिमेंट फ्लक्चुशंस वाला है उसको उसने अवॉइड कर लिया इसी तरीके से एक्सपोर्टर कैन डू द सेम अब दूसरी साइड पे हम देखते हैं एक्सपोर्टर जो है वो सेल कर सकता है यूरोस फॉरवर्ड फॉर डिलीवरी इन थ्री मंथ पेमेंट्स एट टुडेज फॉरवर्ड रेट अब इस केस के अंदर वंस अगेन उसने कोई जो है वो फंड्स ट्रांसफ़र नहीं किए दैट इज़ आई एडवांटेज फॉर इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर ही ही और शी जस्ट पे और यू कैन से बाय फॉरवर्ड और सेल फॉरवर्ड बाय नॉट ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी तो इस केस के अंदर थ्री मंथ्स के लिए उसने सेल कर दी अपने यूरोस और इस सपोज इस बेस के ऊपर किए कि जब उसको थ्री मंथ्स के बाद यूरो मिलेंगे जो उसने एक्सपोर्ट्स की हैं उसके रिवॉर्ड में मिलेंगे तो अगर इन केस कोई प्रीमियम या सपोज़ डिस्काउंट फैक्टर होगा तो ऑटोमेटिकली उसको कैंसिल आउट कर देगा या उसका जो फ्लक्चुएशन का अफेक्ट है वो मिनिमम फॉर्म के अंदर आएगा Suppose if the euro is three months forward discount. अब अगर uh, three months uh, discount पे four uh, percent जो है वो forward discount है euro पे तो उस केस के अंदर क्या होगा इस एक्सपोर्टर को विल गेट ओनली नाइन्टी नाइन थाउजेंड फॉर द हंड्रेड थाउजेंड योरो अब इस केस के अंदर बड़ा सिंपल uh, सा हो गया कि वंस अगेन जब वो जाएगा वापस फोर परसेंट पर ईयर से क्योंकि हमने ये बात की है कि अगर हम इसको थ्री मंथ्स में ट्रांसफ़र करें तो दैट वुड बी वन परसेंट जो थ्री मंथ्स का बनेगा तो अगर आप हंड्रेड थाउजेंड पाउंड की बात करें अगर स्पॉट रेट की बात करें दैट इज़ वन एंड वन वन डॉलर अगेंस्ट वन यूरो तो वन परसेंट जैसे उसको सपोज नुकसान कह लें आप उसको मिल होगा लेकिन अगर फ्लक्चुएशन वन परसेंट से ज़्यादा की होती तो उस केस में उसको ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था तो डिस्काउंट जो वन परसेंट पे है वो हो सकता था कि अगर वो स्पॉट रेट के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा होता तो वहाँ पे अगर वो वन परसेंट से डिस्काउंट बढ़ के फोर परसेंट हो जाता तो इन दैट केस उसको जो उसको सिर्फ नाइन्टी सिक्स थाउ उसकी बजाय नाइन्टी नाइन की बजाय डॉलर की बजाय उसको फिर आपके पास थ्री मंथ्स पे अगर रेट पे देखें तो जस्ट नाइन्टी सिक्स थाउजेंड मिलने थे सो इन दे इन दैट केस डिस्काउंट के फॉर्म के अंदर भी एटलीस्ट जो एक्सपोर्टर uh, है ही इज़ क्वाइट सेटिस्फाइड कि जो डिटामिन रेट है या जो जिस रेट पे भी आपके पास ट्रेडिंग होगी आफ्टर थ्री मंथ्स एक्सपोर्ट्स पेमेंट्स आएंगी वो एक फिक्स अमाउंट है उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है तो रिस्क जो है यहाँ पे सपोज उसके लिए मिनिमम है या एक एग्जैक्ट अमाउंट उसके पास आ गई है जिसके ऊपर वो ट्रेडिंग करेगा और अगर इसी केस के अंदर सपोज़ उसको फॉरवर्ड प्रीमियम मिल जाता तो उस केस के अंदर क्या होना था अगर वो फोर परसेंट फॉवर्ड प्रीमियम होता यूरो के ऊपर तो एक्सपोर्टर को फ़ायदा होना था ऑफ अमाउंट वन थाउजेंड अगेन हैजिंग का अब ये ज़रूरी नहीं कि हेजिंग की फॉर्म के अंदर जो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर है उसको हमेशा लॉस ही होगा इन दैट केस वहाँ पे एक जो एक्सपोर्टर एक या इंपोर्टर हैं वो दोनों जो है वो प्रॉफिट भी ले सकते हैं जैसे इसकी बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पे मिलती है कि अगर फोर परसेंट प्रीमियम फॉरवर्ड प्रीमियम पे है और ये फोर परसेंट पर ईयर है तो अगर हम इसको थ्री मंथ्स में कन्वर्ट करें तो दैट इज़ जस्ट वन परसेंट और जो उसको पेमेंट मिलनी थी ऑफ अमाउंट वन हंड्रेड थाउजेंड और प्रीमियम की वजह से वो अमाउंट में वन परसेंट एड होता है दैट इज़ वन थाउजेंड तो वो उसके पास अमाउंट बन जाएगी वन पॉइंट वन थाउजेंड और यू कैन से डॉलर्स क्योंकि अभी हम उसके ऊपर स्पॉट रेट की ही बात कर रहे हैं तो डेट इज़ अगेन वट हैजिंग कैन गिव यू टू अवॉइड द रिस्क इन द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस तो इस रिस्क को अवॉइड करने के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं एंड देन टू सम एक्सटेंट नेगेटिव एस्पेक्ट्स अगर आप बहुत ही पेस्मिस्टिक टाइप के बंदे हैं तो देन आप इसको यहाँ पे आप एटलीस्ट कॉस्ट को देखते हैं और प्लस यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट आपको ये एज देती है फॉरवर्ड रेट के ऊपर कि आपको पहले से सारा आइडिया हो जाता है कि इन फ्यूचर आपको कितनी पेमेंट इन केस एक्सपोर्टर मिलेगी या इन केस इम्पोटर आपको पे करनी पड़ेगी